OMG. What's up guys, thanks for watching another episode. This is Piyush. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Samsung के इवेंट की। यहाँ पर तीन फोन लॉन्च कर दिए गए हैं Samsung की तरफ से, जिसमें से कि एक फोन है Samsung S10e, एक है Samsung S10 एंड लास्ट Samsung S10 Plus। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं Samsung S10 के क्या क्या उसके अंदर फीचर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। और आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, यहाँ पर Samsung ने अपना फोल्डेबल फोन भी रिवील कर दिया है इस इवेंट के अंदर, जिसे आप 26 अप्रैल के बाद खरीद सकते हो और वो 5G होने वाला है। और Samsung S10 का भी एक 5G वर्जन आएगा, लेकिन वो आएगा mid-2019 के अंदर, जैसे कि एक्सपेक्टेड था सभी को। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं Samsung S10 की, क्या है उसके अंदर खासियत, क्या है उसके कैमराज में खासियत। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो यहाँ पर इसका प्राइस एप्पल की तरह हाई नहीं रखा गया, ठीक प्राइस रखा गया है। आपको S10e 53,000 रुपीस में देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर S10 के प्राइस की बात करें तो इंडिया के अंदर ये फोन आपको मिलेगा 63,900 रुपीस का एक्सपेक्टेड है, और इंडिया के अंदर ये जल्दी लॉन्च हो जाएगा। अब बात करें इसके वेरियंट्स की, तो यहाँ पर आपको दो वेरियंट मिलेंगे, दोनों में आपको 8GB रैम मिलेगी। अब एक होगा 8+128GB एंड सेकेंड वेरियंट होगा यहाँ पर 8+512GB। अब बात कर लें इसके स्क्रीन की, तो यहाँ पर आपको Samsung की तरफ से एक अलग ही स्क्रीन देखने के लिए मिली है, अभी तक फोन में मिलने वाली सबसे एक्यूरेट कलर वाली स्क्रीन होने वाली है। इसका नाम है कर्व डायनेमिक AMOLED इंफिनिटी और डिस्प्ले। यार इतना बड़ा नाम है, कर्व डायनेमिक AMOLED इंफिनिटी और डिस्प्ले। तो यार यहाँ पर डिस्प्ले एक अलग ही दी गई है, इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। RGB का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जिससे आप इसके कलर्स को करेक्ट कर सकते हैं और भी ज्यादा। और यहाँ पर Samsung की तरफ से बताया गया है कि अभी तक के जितने भी फोन के अंदर दी गई है डिस्प्ले, उसमें सबसे बेहतरीन डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। तो यार देखो, Samsung की डिस्प्ले पर मुझे पूरा भरोसा है, मैं भी Samsung फैन हूं ऐसे फैन। अब इसकी स्क्रीन यहां पर मिलेगी 6.1 इंच की QHD प्लस। और इसके एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो है। PPI आपको दी गई है 550 की PPI दी गई है। और जैसे कि हम सभी को पता है Samsung की स्क्रीन में कोई कमी नहीं होती कभी भी, सो थम्स अप। अब बात कर ले राइट साइड में, आपको देखने के लिए मिलेगा ऑन ऑफ बटन। नीचे की तरफ आपको दी गई है स्पीकर ग्रिल्स, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट विद USB 3.1, और साथ ही साथ आपको मिलता है यहाँ पर 3.5mm जैक, जो कि नॉर्मली फोन्स के अंदर से हटाया जा रहा है एप्पल। अब बात कर ले यहाँ पर इसकी बैटरी कैपेसिटी की, तो यहाँ पर आपको बैटरी मिलती है 3400mAh की, और जबकि हमें S9 प्लस के अंदर जो बैटरी मिली थी वो थी 3500mAh की। तो मुझे लगता है इस फोन को कम से कम आपको दो बार तो चार्ज करना पड़ेगा दिन में, अगर आप हैवी यूजर हैं तो। बैटरी मुझे लगता है थोड़ी और बेटर हो सकती थी, बट स्टिल ये भी अच्छी है। और लेफ्ट साइड में आपको देखने के लिए मिलते हैं वॉल्यूम रोकर्स, और साथ ही साथ उसके नीचे दिया गया है बिक्सबी का बटन, सेम यार जैसे कि आपको S9 में देखने के लिए मिलता है। अब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अब ऐसे इस वजह से जब भी मुझे वॉल्यूम डाउन करनी होती है तो बिक्सबी का बटन प्रेस हो जाता है, यार थोड़ी मतलब प्रॉब्लम सी लगती है मुझे उस चीज से। अब इस फोन के अंदर आपको दी गई है हाइब्रिड सिम स्लॉट, जिसमें कि या तो आप दो सिम को यूज कर सकते हैं 4G, या आप एक सिम को यूज कर सकते हैं अप टू 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं इसकी मेमोरी को। वाओ, अब इस फोन में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, साथ ही साथ रिवर्सेबल चार्जिंग भी देखने के लिए मिलेगी। ये फीचर आपको वावे की तरफ से देखने के लिए मिला था सबसे पहले, अब Samsung ने भी इसे अपना लिया है। Samsung इनोवेशन देख रहे हैं, मतलब लॉन्डे की इनोवेशन। यस, अब यहाँ पर बात करें इस फोन के सोक की, तो इंडिया के अंदर जो आपको वेरियंट देखने के लिए मिलेगा उसमें आपको मिलेगा Exynos 9820। ये 8nm प्रोडक्शन प्रोसेस पर बिल्ट है और 2.7GHz पर क्लॉक है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ सीधा सीधा स्नैपड्रैगन 855 से, तो उससे हल्का सा नीचे, बट स्टिल काफी अच्छा प्रोसेसर है, 8nm प्रोडक्शन प्रोसेस पर बिल्ट है। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट कैमरा सेंसर की, तो यहाँ पर आपको S10 के अंदर सिंगल कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलेगा फ्रंट पर, जो कि एक 10MP का कैमरा सेंसर है, बट ये है एक 12MP कैमरा सेंसर। अब 12MP कैमरा सेंसर क्या होता है, ये सिंगल पिक्सल को डिवाइड कर देते हैं दो पिक्सल्स के, जो कि अलग अलग एंगल से लाइट को कैप्चर करता है, जिसकी वजह से आपको बुके मोड काफी अच्छा मिलता है। अब 12MP टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आपको बेटर इमेज ही मिलेगी, ये डिपेंड करता है आपके फोन की ISPU पर। तो गूगल इसे यूज करता है नॉर्मली, गूगल पिक्सल 2 के अंदर और 3 के अंदर भी इसका यूज करा गया, जिसकी वजह से आपको बुके मोड काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर आपको फ्रंट कैमरे में देखने के लिए मिला है 12MP टेक्नोलॉजी, 10MP का 80° कैमरा सेंसर है, जिसका फोकस अपर्चर आपको मिलता है f1.9 का। तो ये तो गई फ्रंट कैमरा सेंसर की बात, तो मुझे लगता है ये मेरे S9 प्लस से और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है फ्रंट से। अब बात करें बैक की, तो बैक पर दिए गए तीन कैमरा, जिसमें से कि एक कैमरा है 12MP का, जो कि एक 12MP कैमरा है, साथ ही साथ यहां पर 12 फोकस अपर्चर आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि f1.5 to f2.4, और ये भी एक वाइड एंगल कैमरा सेंसर है। तो Samsung ने पूरा वाइड एंगल पर दिया है फोकस अपना, 77° का वाइड एंगल कैमरा सेंसर दिया गया है। अब दूसरे कैमरे की बात करें तो दूसरा कैमरा 12MP का, और ये टेलीफोटो लेंस है 2x जूमिंग के साथ, जिसका फोकस अपर्चर आपको मिलता है f2.4 का। अब तीसरे कैमरे की बात कर ले तो यहां पर 16MP का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है 123°, और साथ ही साथ यहां पर इसके फोकस अपर्चर की बात करें तो इसका फोकस अपर्चर है f2.2 का। तो यहां पर Samsung की तरफ से मेन हाईलाइट रही है वाइड एंगल कैमरा सेंसर।
और ये काफ़ी अच्छी आपको क्लियरिटी प्रोवाइड करवाएगा। अब मैं 12 पिक्सल की थोड़ी और खासियत बताऊं तो लो लाइटिंग में आपको फोटोज़ काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा लाइट देखने के लिए मिलेगी फोटोज़ के अंदर। तो सैमसंग की तरफ से यहाँ पर फोन काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, तो आप बिना किडनी बे के इन फोनों को बाय कर सकते हैं। सैमसंग S10 प्लस का भी प्राइस यहाँ पर 73,000 एक्सपेक्टेड है इंडिया के अंदर, तो देखना होगा कि कब ये इंडिया के अंदर लॉन्च होगा। तो अगर आप इसे प्री ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेंगे वायरलेस ईयरबड्स, जिन्हें आप इसकी बैक पर रखकर चार्ज कर सकते हैं, वो वायरलेस चार्जिंग के साथ मिलेंगे। तो दैट्स इट आज की वीडियो में, सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो आपको फोल्डेबल फोन के ऊपर देखने के लिए मिलने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, कमेंट करके बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक जो मन में आएगा डू वॉच यू हार्ट फिर स्टे विद द चैंपियन बॉक्स गाइस। बाय। मैं मारूंगा कभी ना कभी, कुछ नहीं होता अच्छाई से। हारूंगा कभी ना कभी, मैं वाकिफ हूँ सच्चाई से। अब हारूंगा तो हारूंगा, क्या कर सकते हैं होनी का। पर लाइफ में लड़ना ऐसे जैसे फिल्मों में लड़ता टोनी जा। धोनी का शॉट बंदा रहा था मुझको जो सीखा, बल्ला छूटा उससे पड़ोस का फूटा टीवी सोनी का। ऐसी हरकत